नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार में और खासकर पटना में तमाम तैयारियां जो हैं अभी अगले चरम पर है। तैयारियां जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी को होने वाले परेड के रिहर्सल को लेकर किस तरह से जो भी झांकियां निकलनी है, जिस तरह से टुकड़ियां आनी है, अब अपने अपने रिहर्सल में तमाम वो झांकियां वो टुकड़ियां जो है वो लग चुकी हैं। हम आपको बता दें कि इसको लेकर पटना कमिश्नर ने भी वहां पर जाकर निरीक्षण किया है और तमाम सुविधाओं को देख रेख किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसको लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका बिहार सरकार विशेष तौर पर ध्यान रख रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल कोरोना का संकट भी है और ऐसे लेकर गणतंत्र दिवस में क्या कुछ सुविधाएं होंगी, कौन लोग वहां जाएंगे और किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, इसको लेकर के भी पटना कमिश्नर ने कहा है। हम पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम टुकड़ियां जो है वो रिहर्सल कर रही है और उसके बाद हम आपको पटना कमिश्नर के वो बयान सुनाते हैं कि आखिर 26 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किस तरह से 26 जनवरी का ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के तरीके से और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है और इसमें तमाम पदाधिकारी जिस तरह 26 जनवरी के दिन प्रदर्शन करेंगे उस तरीके से अपना प्रदर्शन की रिहर्सल कर रहा है। इससे उनमें एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है और एक पूरे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से करने में मदद भी मिलती है। 26 जनवरी पूरे जिले में और पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमें गर्व है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम लोग सब लोग इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं, लेकिन उन रेस्ट्रिक्शंस के बीच भी इस पर्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 10 झांकियां विभिन्न विभागों की निकाली जाएगी जो काफ़ी आकर्षक और रंगारंग होगी। चूँकि कम लोग आ पा रहे हैं इसीलिए लाइव टेलीकास्ट पूरे कार्यक्रम का किया जाएगा और सभी लोग घर बैठकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और यहाँ प्रवेश कार्ड के आधार पर होगा और सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि बेहतर तरीके से व्यवस्था हो सके। कारगिल चौक पर भी जो हमारे शहीद हैं उनको भी माल्यार्पण करके उनका भी सम्मान व्यक्त किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछला वर्ष कोविड के कारण काफ़ी डिस्टर्ब रहा और उसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स ने काफ़ी काम किया और काफ़ी लोगों की सेवाएं की। उनको एक सम्मान के रूप में उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए एक कोविड सेनानी दीर्घा बनाई गई है, जिसमें हमारे विभिन्न बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स, हमारे सिविल सर्जेंसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नगर निगम के कर्मी, पुलिस के कर्मी, ये सभी लोग रहेंगे जिन्होंने कोविड पीरियड में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, मदद की। तो उनको सम्मान स्वरूप विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। उनके पास कार्ड भेज करके उनको आमंत्रित किया गया है और उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई है।